हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आ फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगी शो से जुड़ी हर एक इंटरेस्टिंग और अपकमिंग अपडेट। वेल, टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के अपकमिंग ट्रैक में आप देख ही रही हैं कि किस कदर बरार हाउस में फैला है कभी खुशी तो कभी गम का माहौल। जहाँ पर अंगद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गया है तो अगला तमाशा मैडम कियारा ने खड़ा किया साहिबा की इंसल्ट कर। जहाँ साहिबा ने अपने डिज़ाइनिंग कोर्स में पूरे इंस्टीट्यूट को टॉप किया तो वहीं साहिबा के इंसल्ट में उसने काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी बातें कह डाली जिसके जवाब में अंगद को अपना मुँह खोलना पड़ा और पहली बार अंगद ने घर वालों के आगे साहिबा का साइड लिया, जिसे देख कर सीरत के साथ साथ मनवीर और बाकी सभी घर वाले भी शॉक में थे। अब शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा और भी बड़ा तमाशा क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स खोलने वाले हैं साहिबा की असली पोल और साहिबा का उखड़ा हुआ चेहरा देखकर यहाँ पर अंगद पता लगाएगा डील कैंसिल होने का पूरा सच। जी हाँ, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे साहिबा यहाँ कियारा की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा अपसेट नज़र आएगी और इसीलिए सही वजह का पता लगाने के लिए अंगद करने वाला है बड़ा फैसला और वो कॉल करने वाला है इन्वेस्टर को और पूछने वाला है कि आखिर हुआ क्या। दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे और अंगद खुद सबसे कहता नज़र आएगा कि इसने जो डिज़ाइंस बनाए थे वो इतने प्यारे थे कि मैं खुद देखकर के हैरान रह गया था और इन्वेस्टर्स ने तो देखकर ये भी काफ़ी तारीफ़ की थी ना। अंगद यहाँ पर इन्वेस्टर को कॉल लगाता है और पूछता है कि सर आपने डील कैंसिल क्यों करी। इन्वेस्टर्स यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा करते हैं और कहते हैं कि देखिए, हम जानते हैं साहिबा जी के डिज़ाइंस कितने अच्छे थे और हमको पसंद भी आए थे, तभी तो हमने 100 नहीं बल्कि 500 करोड़ की डील मैनेज करी थी आप लोगों के साथ। अंगद कहेगा तो आपने ये सब क्यों कर दिया। तभी यहाँ पर अंगद को जवाब देते हुए इन्वेस्टर कहेंगे कि अंगद सर, जो आपने इन्वेस्टर्स को पहली बार के सैंपल्स दिए थे वो बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन ये जो सेकंड स्लॉट मिला है हमें उन्हें देखकर तो हम खुद शॉक हैं। आपके ऑफिस से आखिर इतना बेकार डिज़ाइन आप कैसे भेज सकते हैं हमारे साथ, आप इतना बड़ा मजाक आकर कैसे कर सकते हैं, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो मैं आपको उनकी कॉपीज भेजता हूँ, आप खुद देखकर बता लीजिएगा कि हमने डील कैंसिल करके सही किया या फिर गलत। यहाँ पर अंगद बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टर से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इन्वेस्टर यहाँ पर एक और बड़ा राज खोलते हुए कहते हैं कि वो तो भला हो कियारा जी का, जिन्होंने समय रहते हमें बता दिया कि साहिबा जी ने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, वो तो बस 12th पास है। अब अंगद जी, जिसके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना हो वो भला इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी बिजनेस डील की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है, इसीलिए हमने ये डील कैंसिल कर दी है। यहाँ पर साहिबा और अंगद को जैसे ही पता चलेगा कि ये सब कुछ करा धरा के पीछे कियारा का है, वैसे ही अंगद का गुस्सा कियारा पर फूटने वाला है और वहाँ जाकर के वो दूध का दूध और पानी का पानी घर वालों के सामने कर देगा, जिसके बाद आखिर क्या होगा ये देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।